सुनो, हॉल मिल गया है अगले सैटरडे के लिए। आप इसे पोस्टपोन करते हैं। नहीं कर सकता पापा, प्लीज प्रेशराइज मत करें आप मुझे। देखो, जगह और वक्त का तायुन सरदार जरा खान ने किया है। तुमने अगर कोई बात करनी है तो उनसे करो। आप सिर्फ मेक श्योर कर लें कि जितने उनके लेटर्स हैं उनके रेफरेंसेस जरूर डाल दीजिए, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। ओके, तो मैं सीसी में फिर आपको भी रख दूँ। बिल्कुल, मुझे डालिए। और अभी उसका एक काम कीजिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए और फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, काइंडली मेरे लिए एक चाय कह दीजिएगा। आप कुछ लेंगी? एक कॉफ़ी कर दीजिएगा, एक चाय एक कॉफ़ी। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आना हुआ? केस फाइल करने आई हूँ मैं। केस फाइल करना है? गुड। किसके खिलाफ केस कर रही हूँ और आपके हीरो कहाँ हैं? उसी के खिलाफ केस फाइल करना। उसने ऐसा क्या कर दिया? जबरदस्ती निकाह किया है उसने मेरे साथ। और मुझे डिवोर्स चाहिए। आप शादी का कार्ड छपवा लें। तुम्हारी बात हो गई है उससे? वही करने जा रहा। तो तुम ये चाहते हो कि हम अपने घर की प्रॉब्लम जो है उसको लिफाफे में डाल के लोगों के दरवाजों तक पहुंचा दें, ताकि जो प्रॉब्लम हम अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं वो हमारी रुसवाई का बायस बन जाए? मैं उसे लेकर आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं उसके पास जा रहा हूं उसके साथ रहने के लिए। जलील करवा देगी वो तुम्हें। इस प्रॉब्लम का हल जो है वो सिर्फ सरदार जरा खान के पास है। या तुम उनसे डायरेक्टली बात कर लो या मुझे बात करने दो। तो आप क्या चाहते हैं कि इस घर में वही कहानी दोबारा रिपीट हो? मुझे तो यही लगता है कि तुम वही करने जा रहे हो। मैं उसको बांधने के लिए नहीं जा रहा, उससे लड़ने के लिए जा रहा। हार या जीत, आप ये केस हार जाएंगी। आप जैसे लॉयर के होते हुए भी? मैं ये केस लूंगा ही नहीं। क्यों? आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, आप मेरी फीस ही नहीं दे पाएंगी। फरजाद को मेरे अलावा कोई और हरा भी नहीं सकता। फरजाद ये केस अपनी जान की बाजी लगा के लड़ेगा, अपना केस है उसका, ये बात जहन में रखिएगा। बताएं कितनी फीस है आपकी? आप जिस गाड़ी में रुख्सत होके फरजाद के घर आई थी उतनी कीमत दे पाएंगी? दे पाएंगी तो अभी साइन करते हैं। बोले बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।